नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में खूब खुश होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर सुहागिन स्त्रिया को कौन से ऐसे चार श्रृंगार है जो हमें प्रतिदिन करना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हमें नहाने के तुरंत बाद सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। ये रहा लाल वाला सिंदूर। तो हमें नहाने के तुरंत बाद सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि सूना मांग ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। तो हमें सिंदूर प्रतिदिन लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई अगर सूखा सिंदूर लगा रहा है, उसको खुजली हो रहा है क्योंकि बहुत लोगों को ये सिंदूर सूट नहीं करता है, उसको खुजली होने लगता है, तो वो क्या करेंगे, ये लिक्विड वाला लगा लेंगे क्योंकि लिक्विड वाला थोड़ा सा ठंडा होता है। तो आप लिक्विड वाला लगा सकते हैं। अगर किसी को बिंदी लगाने से भी खुजली होता है, अगर वो बिंदी नहीं लगा पाता है तो वो क्या करेगा कि इसी से अपना छोटा सा एक मतलब बिंदी लगा लेगा। तो एक छोटा सा बिंदी लगा लीजिएगा लेकिन सूना मांग मत रखिएगा। तो आप इन दोनों सिंदूर में से कोई भी सिंदूर आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहाने के तुरंत बाद हमें सिंदूर ज़रूर अपने मांग में भर लेना चाहिए। और अब बता देती हूँ कि कंघी, हमें कंघी रोज़ करनी चाहिए क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि कैसे अशुभ दिनों में मतलब कि कंघी नहीं किया जाता है। तो अच्छा है, मान लीजिए कि जिस स्त्री को कंघी नहीं किया जाता है उसका फेस मतलब कैसा लगता है, तो मैं नाम तो नहीं धरूंगी कि किन दिनों में कंघी नहीं करना चाहिए, आप लोग तो खुद समझ ही गए होंगे। तो मतलब हमें कंघी रोज़ करनी चाहिए क्योंकि कंघी भी श्रृंगार में आता है। तो आप लोग कंघी भी जरूर कीजिएगा। पीरियड में मान लीजिए कि आ गया तो हम लोग सिंदूर नहीं लगा सकते हैं लेकिन कंघी जरूर लगाइएगा। और हाँ, मांग मत निकालिएगा क्योंकि पीरियड में हमें सिंदूर लगाने वाला नहीं रहता है, तो हमें मांग नहीं निकालना चाहिए। ऊपर ऊपर से कंघी मतलब लगा लेना चाहिए लेकिन कंघी रोज लगानी चाहिए। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला चीज़ बता देती हूँ कि बिंदी, हमें बिंदी भी रोज़ लगानी चाहिए। तो मान लीजिए रोज़ नया बिंदी ही नहीं लगाना चाहिए क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपका बिंदी ख़राब हो गया है या गिर गया है, उसमें गंध नहीं है, तो आप बिंदी भी ज़रूर रोज़ मतलब कि अपने मांग में लगा करके रखिएगा क्योंकि सूना मांग रखना सही नहीं होता है। तो जिसको मतलब सहता है वो बिंदी लगा करके रखेगा, अगर जिसको नहीं सहता है वही से टीका भी लगा लेगा लेकिन सूना मांग मत रखेगा। तो मैं बिंदी तो नहीं बोलूँगी कि हाँ आप लोग रोज़ लगा करके रखिए क्योंकि बिंदी रोज़ नहीं लगाया जाता है। जो मतलब अगर मान लीजिए बिंदी लगाई है वो अगर पुराना हो गया है, उदास हो गया है, तो उसके चेंज करके फिर आप लगा सकती हैं। और मान लीजिए कि इसमें गंध नहीं है, रोज़ गिर जा रहा है, फिर आप लोग रोज़ लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सिंगर और बता देती हूँ कि हमें कौन से करनी चाहिए, तो काजल। तो हम स्त्री सुहागिन स्त्रियों का काजल लगाना भी मतलब बहुत ही महत्व होता है क्योंकि काजल लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो हमें काजल भी रोज़ लगानी चाहिए। तो आप लोग भूलिएगा मत, रोज़ काजल लगाइएगा। मान लीजिए कि किसी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है रेडीमेड काजल, तो आप लोग चाहे तो घर में भी अपना बना करके यूज कर सकते हो लेकिन काजल ज़रूर यूज कीजिएगा। तो ये चार श्रृंगार हो गया। और अब अगला चीज़ बता देती हूँ, नेल पॉलिश। हम मतलब सुहागिन स्त्रियों को मतलब कि नेल पॉलिश लगा करके रखना चाहिए क्योंकि हम लोग बर्तन उर्तन धुलते हैं तो नेल पॉलिश तो झर जाता है, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है नाखून दिखने में उजला उजला सा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग नेल पॉलिश भी ज़रूर लगा करके रखिएगा। अगर संभव हो मतलब रोज़ पौरांगा ना लगा सके, मतलब ये तो कोई रोज़ मतलब नहीं लगाता है,
लेकिन हाँ, जिस दिन आप लोग अगर नाखून काट रही है उस दिन आपको पौरांगा जरूर लगाना चाहिए। मान लीजिए कि पौरांगा नहीं लगा सकती तो नेल पॉलिश जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि नाखून काट करके ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो आपको या तो नेल पॉलिश लगा लें, लेकिन पौरांगा भी लगाया जाता है। और एक बात और बता दूँ, ऐसे कभी लगाए ना लगाए पौरांगा, लेकिन हर एक शुक्रवार को हमें पौरांगा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि एक नियम बना लीजिएगा कि हमें हर शुक्रवार को अपने पाँव में पौरांगा लगाना है, क्योंकि ये पौरांगा लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो लक्ष्मी कौन होती है? घर की स्त्रियाँ। तो इसलिए पहले हम सज संवर के रहेंगे, फिर हमारे घर में लक्ष्मी तो ऐसे ही आ जाएगी, क्योंकि जिन घर की स्त्रियाँ हमेशा सजी सवरी होती है तो उनके घर में तो लक्ष्मी का रूप तो वही होती है। तो आप लोग ये भी जरूर लगाइएगा। चलिए अब ये हो गया। अब अगला चीज़ बता देती हूँ कि हमें और कौन कौन से चीज़ यूज करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप लोगों को और कुछ ज़्यादा सुंदर दिखना है तो आप ये फेस पाउडर लगा लीजिए, या मैं ये लक्ष्मी का पीच मिल्क यूज करती हूँ। तो आप लोग जो भी यूज करते हैं और सुंदर दिखना चाहते हैं तो ये सब यूज कर सकते हैं। ये लिपस्टिक है, ये फाउंडेशन है, ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि रेगुलर ये लगाना ज़रूरी है, तो ये आप नहीं लगा सकते हैं फिर भी अब चलेगा। ये तो सुंदर दिखने के लिए लगाया जाता है, तो आप लोग और कुछ मतलब मर्जी करे तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगाएंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि अगर आपको खूबसूरत दिखना है फिर आप ये लगा सकते हैं। अब चलिए बता देती हूँ कि हमें कौन कौन से चीज़ सुहागन स्त्रियों को हमेशा पहन करके रखना चाहिए, जो कि हम शादी से पहले नहीं पहन पाते हैं, तो वो चीज़ हमें शादी के बाद ज़रूर पहन करके रखना चाहिए। तो पहला चीज़ चूड़ी, क्योंकि हाथ खाली नहीं रखना चाहिए, ऐसा माना जाता है। चाहे ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमारे दुश्मन की बेटी का भी हाथ खाली ना हो, तो इसलिए हमें चूड़ी पहन करके हमेशा रखना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो वो तो इतना चूड़ी नहीं पहनेगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर चाहे कोई घरेलू काम ही कर रहा है, आटा सान रहा है, जिसका छोटा बच्चा है, उसको इतना चूड़ी पहनने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है, तो अगर इतना नहीं पहन सकता है तो देखिए ये कांच का चूड़ी है, तो कांच का चूड़ी ही पहनना चाहिए हमें। सिपोन के चूड़ी हमें नहीं पहनना चाहिए, तो हमें कांच का चूड़ी पहनना चाहिए। और अगर मान लीजिए आप ये अगर इतना नहीं पहन पाती है तो इसमें से एक ही पहन लीजिए, लेकिन पहन लीजिए। अगर इसमें एक हम तो एक हाथ में ज़्यादा और एक हाथ में कम चूड़ी पहनते हैं, तो एक हाथ में ये काड़ा पहन लीजिएगा और एक हाथ में इसी काड़ा में लगा करके, एक हाथ में हम जब ज़्यादा पहनेंगे तो इसी में का एक लाल चूड़ी हम एक्स्ट्रा पहन लेंगे, क्योंकि हम दोनों हाथ में बराबर चूड़ी नहीं पहनते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि नैहर के लिए एक चूड़ी ज़्यादा पहनते हैं और ससुराल के लिए एक चूड़ी कम पहनते हैं। अगर दोनों में बराबर पहनेंगे, अगर दोनों वोल्टेज सेम होगा तो क्या होगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक हाथ यानी कि बाएं हाथ में हमें एक चूड़ी ज़्यादा पहनना चाहिए। तो अगर आप लोगों को इतना पहनना मतलब नहीं संभव है तो आप ऐसे भी पहन सकते हैं, ऐसे कर करके आप पहन सकते हैं और एक हाथ में ये पहन लीजिएगा। तो ये हो गया, हमें चूड़ी भी ज़रूर पहन करके रखना चाहिए। अब अगला चीज़ बता देती हूँ, पायल। सुहागिन स्त्रियों को हमेशा पायल पहन करके रहना चाहिए, क्योंकि ये भी सुहाग का प्रतीक होता है। ये सब चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो मतलब हम लोग शादी से पहले नहीं यूज करते हैं, इसीलिए हमें ये शादी के बाद ही ये यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सब सुहाग का प्रतीक है, तभी हम लोग यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि जो ऑफिस जाता है वो इतना चौला पायल नहीं पहन सकता है, तो एक चैन टाइप में आता है वो भी ये पहन करके रह सकता है, लेकिन एक पायल आप लोग ज़रूर पहन करके अपने पाँव में मतलब पहन करके एक जोड़ी पायल आप रखिएगा ज़रूर। अब अगला चीज़ बता देती हूँ, बिछुआ। तो हम सुहागिन स्त्रियों को बिछुआ भी ज़रूर पहन करके रखना चाहिए। तो देखिए जो घर में रह रही है वो अपना दो दो बिछुआ यूज करेगी, जो मतलब ऑफिस जाती है तो उसको मतलब सूज उज में चुभ रहा होता है, क्योंकि ये बिछुआ ऐसे हो जाता है पलट जाता है, तो सूज पहनने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन ये नहीं कि हाँ हम नहीं पहनेंगे, पहनिएगा। एक इस टाइप का आता है ना बिछुआ, ये तो रिंग है मेरा, क्योंकि यही मैं हमेशा यूज करती हूँ, तो इसी टाइप में आता है बिछुआ भी आता है प्लेन बिल्कुल भी, वो ना तो चुभता है, सूज में भी नहीं चुभेगा, आप घर में भी कंफर्टेबल उसमें महसूस कर सकते हैं। तो आप लोग प्लेन बिछुआ भी ले सकते हैं, लेकिन बिछुआ ज़रूर पहन करके रखिएगा, क्योंकि बिछुआ ही सबसे ज़्यादा मतलब सुहाग का प्रतीक होता है।
तो आप लोग बिछुआ पक्का पहन करके रखिएगा। जो ऑफिस जा रही है वो एक एक पहन लेगी, और जो घर में रह रही है वो अपना दो दो पहन करके रखेगी। अब बता देती हूँ अगला चीज, रिंग। तो हम अपने हाथ में एक रिंग मतलब कि हमेशा पहन करके रखना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि आप रोज पूजा करती हैं तो ऐसा माना जाता है कि देखिएगा, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भारी जग कराते हैं, तो वहाँ पे अगर आपके हाथ में रिंग नहीं रहता है तो फिर पंडित जी क्या करते हैं कि आपके हाथ में आम के पत्ता का रिंग बना करके और पहना देते हैं। तो मतलब पूजा कभी भी करें तो खाली हाथ से नहीं करना चाहिए, तो हमारे हाथ में एक रिंग तो होना ही चाहिए। तो आप लोग इस प्रकार से रिंग भी ले सकते हैं। चलिए अगला चीज़ बता देती हूँ कि हमें और कौन से चीज़ पहनना चाहिए। तो देखिए, गला में अगर आप लोगों के पास उतना भगवान दिए हैं तो आप एक छोटा सा मंगलसूत्र बनवा लीजिए और अपने गला में हमेशा यूज कीजिए, क्योंकि बड़ा वाला मंगलसूत्र तो हम हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम छोटा वाला ही यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यही यूज करते हैं, जो हमारे तरफ में ढोलना इसको बोला जाता है, तो हम यही यूज करते हैं। अगर भगवान उतना दिए हैं तो आप छोटा सा मंगलसूत्र बनवा के भी आप यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास में चैन है तो आप चैन भी पहन सकते हो, क्योंकि हर किसी का बजट उतना नहीं होता है कि कोई चैन पहन ले, मंगलसूत्र पहन ले। तो आप क्या करेंगे, एक धागा भी पहन लीजिएगा, क्योंकि खाली गर्दन हमको पानी नहीं पीना चाहिए, ये सब अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपको मतलब उतना बजट है तो आप सोने का बनवा करके पहन लीजिए, या आपके पास में पहले से है तो आप वो पहन लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास में नहीं है तो क्या करेंगे, एक धागा ही पहन लीजिएगा, लेकिन पहन लीजिएगा। तो चलिए ये सब हो गया। तो चलिए एक बार और दिखा देती हूँ कि हमें रोज वाला सिंगार, सिंदूर, काजल और ये बिंदी, मतलब बिंदी मतलब रोज मत लगाइएगा, मैं तो बता ही दी हूँ, अगर गिर जा रहा है फिर आप रोज लगा सकते हैं, और ये कंघी। तो हमें ये चार चीज़ जरूर करनी चाहिए हर रोज। और जो इतना जो है चूड़ी, पायल, बिछुआ, और ये है रिंग, और ये है गला का। तो ये देखिए, ये है, ये सब, यही सब है। तो इतना चीज़ हमें पहन करके पक्का रखना चाहिए, और ये रहा नेल पॉलिश। तो इतना चीज़ हमें रोज यूज करना चाहिए, पहनने वाला जो है वो हमें हमेशा पहन करके रखना चाहिए, और बिंदी, सिंदूर और ये कंघी, काजल, हमें इतना चीज़ रोज श्रृंगार करना चाहिए। और कुछ करे या ना करे, ये चार श्रृंगार आप लोग जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को श्रृंगार से संबंधित सारी जानकारियाँ मिल गई होगी। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।